डी स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा प्लस टू की इंग्लिश की बुक विस्टास के फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिने के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल? जैक फिने। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का केंद्रीय पात्र जो है वो कौन है? कौन है? चार्ली है। स्टोरी का केंद्रीय पात्र जो है वो कौन है? चार्ली है। बट चार्ली नॉट एडमिट। चार्ली किस बात को स्वीकार नहीं करता? चार्ली किस बात को स्वीकार नहीं करता? दैट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज ओनली टू लेवल्स। चार्ली इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के केवल टू लेवल हैं। टू लेवल का मतलब ये है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, जैसे हम कहते हैं कि टू फ्लोर की बिल्डिंग है, इसी तरह से वास्तव में जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके टू ही लेवल है। लेकिन चार्ली इसलिए इस बात को स्वीकार नहीं करता क्योंकि चार्ली ये कहता है कि मैं खुद थर्ड लेवल पर जाकर आया हूँ, तो इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता कि इसके केवल टू लेवल ही हैं। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। What happened when Charlie reached, once he got into a mile long tunnel? उस समय क्या होता है जब चार्ली एक मील लंबी सुरंग को पार करके जब वो किसी स्थान पर पहुंचता है तो क्या होता है? He came up in a lobby of the hotel. होटल की लॉबी में वो जाकर पहुंच जाता है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। What happened when one day Charlie is in a hurry to catch the train? उस समय क्या होता है जब चार्ली एक दिन ट्रेन को पकड़ने की जल्दी में है, जल्दी से वो ट्रेन को पकड़ना चाहता है, तो उस समय क्या होता है? क्या होता है? ही रीचेस द थर्ड लेवल। वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन बूथ एट द थर्ड लेवल मेड ऑफ? थर्ड लेवल पर जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो किसका बना हुआ था? वुड का बना हुआ था। पुराने समय का वो इंफॉर्मेशन बूथ था, लकड़ी का बना हुआ था। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। What does Charlie realize when he finds everyone wearing old fashion clothes? जब चार्ली ये देखता है कि हर किसी ने पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए हैं, तो उस समय चार्ली को किस बात का आभास होता है? किस बात का आभास होता है? He reached the past. इस बात का आभास होता है कि वो पास्ट में चला गया। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। How does Charlie make sure that he has reached the past? चार्ली कैसे अपने आप को किस तरह से वो श्योर करता है कि वो पास्ट में चला गया? ही सीज डेट ऑन द करंट न्यूज़पेपर। उस दिन का न्यूज़पेपर वो देखता है। जब डेट पढ़ता है तो डेट को देखकर वो समझ जाता है कि वो पास्ट में चला गया। डेट को पढ़कर उसे यकीन हो जाता है, श्योर हो जाता है कि वो पास्ट में जा चुका है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेयर चार्ली नोज दैट ही हैज स्लिप्ड इनटू द पास्ट, वेयर डज ही वॉन्ट टू गो? जब चार्ली को पता चलता है कि वो पास्ट में चला गया तो वो कहाँ जाना चाहता है? कहाँ जाना चाहता है? डी, टू गेल्सबर्ग इलिनोइस। गेल्सबर्ग इलिनोइस जाना चाहता है। वेन डिड चार्ली लिव इन गेल्सबर्ग? चार्ली गेल्सबर्ग में कब रहता था? इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में रहता था। चार्ली वॉन्ट्स टू परचेज टिकट फॉर, चार्ली कहाँ जाने के लिए टिकट खरीदना चाहता है? कहाँ जाने के लिए? गेल्सबर्ग जाने के लिए टिकट खरीदना चाहता है। Why does the booking clerk threaten to get Charlie arrested? Booking clerk, जहाँ पे वो टिकट खरीदने के लिए जाता है, वो चार्ली को गिरफ्तार करवाने की धमकी क्यों देता है? D option, he thought that the notes offered by Charlie were fake. वो सोचता है कि चार्ली ने जो करेंसी दी है, जो नोट उसको दिए हैं, वो नकली हैं, इसलिए वो उसे धमकी देता है कि ये तुम नकली नोट लेकर मेरे पास आए हो टिकट लेने के लिए, मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। D option is right option. How does Charlie come back to the present? Charlie present में कैसे वापस आ जाता है? He rushes from the booking window. जब उसे booking clerk धमकी देता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा, तो क्या होता है? वो वहाँ से भाग जाता है। He rushes from the booking window. To whom does Charlie talk about the third level? थर्ड लेवल के बारे में चार्ली किससे बात करता है? उसे थर्ड लेवल के बारे में किसको वो बताता है? किसको बताता है? उसका एक मित्र है, साइकेट्रिक है वो, और जिसका नाम सैम वीनर है।
देन डी ऑप्शन बी एंड सी ऑप्शन बोथ आर राइट. डी ऑप्शन इज राइट. व्हाई डज चार्ली साइकेट्रिक फ्रेंड थिंक अबाउट चार्ली व्हेन ही टॉक्स अबाउट द थर्ड लेवल. चार्ली का जो साइकेट्रिक फ्रेंड है वो चार्ली के बारे में क्या सोचता है जब चार्ली उससे थर्ड लेवल के बारे में बात करता है. डी ऑप्शन चार्ली हैज बीन डे ड्रीमिंग. चार्ली दिन में सपने ले रहा है ऐसा जो उसका साइकेट्रिक फ्रेंड सैम विनर है वो सोचता है. वेदर चार्ली बाय ओल्ड करेंसी नोट्स. चार्ली ओल्ड करेंसी नोट्स क्यों खरीदता है. ही वांट्स टू यूज द नोट्स इन द थर्ड लेवल क्योंकि वो थर्ड लेवल में इन नोट्स को प्रयोग करना चाहता है. इन विच ईयर ऑफ द पास्ट चार्ली वांट टू गो. चार्ली पास्ट के कौन से ईयर में जाना चाहता है. 1894 में. वन ऑफ चार्लीज फ्रेंड डिसअपीयर. चार्ली का एक मित्र गायब हो जाता है. व्हाट इज हिज नेम. उसका नाम क्या है. क्या है. बी ऑप्शन सैम विनर. हाउ डज चार्ली कम टू नो दैट सैम विनर हैज स्लिप्ड इनटू द पास्ट. चार्ली को कैसे पता लगता है कि सैम विनर पास्ट में चला गया. डी ऑप्शन फ्रॉम एन ओल्ड डे पोस्टेज कवर. एक ओल्ड डे पोस्टेज कवर को देखकर उसको पता लगता है कि वो पास्ट में चला गया. इन हिज लेटर व्हाट डज सैम विनर अर्ज चार्ली टू डू. अपने लेटर में सैम विनर चार्ली को क्या करने के लिए कहता है. टू फाइंड द थर्ड लेवल एंड कम देयर विद हिज वाइफ. कि वो थर्ड लेवल को ढूंढे और अपनी पत्नी के साथ वहां आए. बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. हु इज सैम विनर. सैम विनर कौन है. कौन है. चार्लीज फ्रेंड. चार्ली का मित्र है. साइकेट्रिक है. ए एंड बी ऑप्शन आर राइट. देन यू कैन से दैट डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. व्हाट इज द नेम ऑफ चार्लीज वाइफ. चार्ली की वाइफ का नाम क्या है. लुइसा. सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. हाउ ओल्ड वाज चार्ली. चार्ली की उम्र क्या है. 31 ईयर्स. चार्ली की उम्र 31 ईयर्स है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट. वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट का क्या मतलब है. ए प्लेजेंट विश दैट वन वांट्स टू हैपन. ए ऑप्शन. एक सुखद इच्छा जो कोई चाहता है कि ये इच्छा उसकी पूरी हो जाए. ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन. इस लेसन की थीम क्या है. ए ऑप्शन ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ प्रेजेंट. मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो प्रेजेंट की कठोर जो वास्तविकता है उसे एस्केप करना चाहता है. उससे भागना चाहता है. ये इस लेसन की थीम है. ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1894 इन द लेसन. इस लेसन में जो 1894 है उसका क्या मतलब है. क्या महत्व है उसका. डी ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग ए पीसफुल रोमांटिक टाइम. ये जो 1894 है ये एक पीसफुल रोमांटिक टाइम का प्रतिनिधित्व करता है. डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल. थर्ड लेवल में सैम कौन है. सैम कौन है. डॉक्टर है. फ्रेंड ऑफ मेन करेक्टर है. साइकेट्रिस्ट है. तीनों ही हैं. इट मीन्स क्या है. डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. व्हाई डिड चार्ली विजिट सैम. चार्ली सैम के पास क्यों जाता है. ए ऑप्शन टू कंसल्ट हिम फॉर द थर्ड लेवल इंसिडेंट एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो उसके पास उसके साथ थर्ड लेवल का इंसिडेंट हुआ था उसको डिस्कस करने के लिए वो अपने मित्र सैम विनर जो कि एक साइकेट्रिस्ट है उसके पास जाता है. व्हाट अनयूजुअल थिंग डिड नरेटर सी एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर नरेटर ने कौन सी असामान्य बात देखी. कौन सी. थर्ड लेवल वहाँ पर जो था एक थर्ड लेवल भी था ये. क्योंकि लोगों को ये पता था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की केवल दो ही लेवल हैं लेकिन अब क्योंकि वो थर्ड लेवल पर पहुँच गया था तो थर्ड लेवल जो था उसके लिए अनयूजुअल थिंग थी. व्हाई वाज नरेटर एट द थर्ड लेवल. नरेटर जो था वो थर्ड लेवल पर क्यों गया. एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन हिज माइंड. उसके मन में उसके दिमाग पर स्ट्रेस था. वो चिंता से घिरा हुआ था. इसके परिणाम स्वरूप वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया. मीन्स थर्ड लेवल जो है वो केवल उसके दिमाग की उपज है. हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल. थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचा. ए ऑप्शन ही टेक्स ए सबवे और कॉरिडोर. उसने सबवे ले लिया. ट्रेन का सबवे एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते से वो जल्दी पहुंच सके ऐसा रास्ता उसने ले लिया था और वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया था. व्हाट वाज द थर्ड लेवल. थर्ड लेवल क्या था.
एन इमेजिनेशन ऑफ नरेटर्स माइंड, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, नरेटर के दिमाग की केवल एक कल्पना थी थर्ड लेवल। व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पर चार्ली ने क्या देखा, क्या देखा था? फ्लिकरिंग गैस लाइट्स एंड पीपल वर फनी मस्टाचेस। जो गैस लाइट्स तो थी वो थोड़ी थोड़ी हिल रही थी, और कहने का मतलब वहाँ जो रोशनी थी वो गैस वाली रोशनी थी, लैंप नहीं थे, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी, गैस लाइट थी, और वो उसकी बत्ती जो थी वो थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। एंड पीपल वर फनी मस्टाचेस, और जो उस समय लोग थे उनकी मूछें जो थी वो बड़ी मजाकिया किस्म की थी। और वहाँ उसने और क्या देखा, ब्रास स्पिटन्स भी देखे, पीतल के बनी हुए स्पिटन्स थे, पीक दान जिसको हम कह सकते हैं, थूक फेंकने के लिए एक बर्तन होता है जिसको स्पिटन्स कहते हैं, तो वो भी उसने वहाँ देखे। और सी ए मैन लुकिंग एट हिज गोल्ड वॉच, एक व्यक्ति देखा उसने जो अपनी गोल्ड वॉच की तरफ देख रहा था। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल द अबव। व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर क्या होता है? एनवेलप विद ए स्टैम्प पोस्टेड ऑन द डे ऑफ इट्स रिलीज, जिस दिन कोई स्टैम्प रिलीज होती है उस स्टैम्प को खरीद कर सबसे पहले जो एनवेलप पर लगाई जाती है वो स्टैम्प, तो उसको फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन में चार्ली को क्या मिलता है? ए फर्स्ट डे कवर मिलता है। व्हाट कन्विंस्ड चार्ली दैट ही वाज इन द पास्ट इन 1894, क्या चीज चार्ली को कन्विंस कर देती है कि वो 1894 वाले पास्ट में चला गया? क्या चीज कर देती है? न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की जो डेट होती है उससे वो कन्विंस हो जाता है कि वो 1894 में चला गया। हु साइन द लेटर, लेटर साइन किसने किया? सैम ने किया। व्हाट सैम हैड टू पे व्हाइल परचेजिंग ओल्ड करेंसी, ओल्ड करेंसी खरीदने के लिए सैम को कितने पैसे देने पड़े? $800। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ए मैन पुल्ड आउट ए डैश फ्रॉम हिज पॉकेट, एक व्यक्ति ने अपनी पॉकेट से क्या निकाला था, क्या निकाला था? गोल्ड वॉच निकाली थी। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द एरिया वॉज लिट अप विद, वो जो क्षेत्र था किससे जगमगा रहा था? गैस के लैंप की रोशनी से जगमगा रहा था। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देर आर स्पिटून्स मेड ऑफ, वहाँ जो स्पिटून्स थे पीक दान थे किससे बने हुए थे? ब्रास से बने हुए थे, पीतल के बने हुए थे। ए न्यूज़पेपर सेट इट वॉज इन द ईयर, न्यूज़पेपर में लिखा था कि ये कौन सा साल था, 1894 था। सैम, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सैम रीच द ओल्ड गेल्सबर्ग एंड सेटल्ड हिमसेल्फ एज ए, सैम ओल्ड गेल्सबर्ग में पहुंच गया और वहां उसने अपने आप को सेटल कर लिया। क्या बन गया वो? ट्रेडर बन गया, व्यापारी बन गया। द टिकट क्लर्क सस्पेक्टेड चार्ली फॉर, टिकट क्लर्क ने चार्ली पर शक किया, क्यों? टेंडरिंग फेक करेंसी, कि वो नकली करेंसी का आदान प्रदान कर रहा था, नकली करेंसी का प्रयोग कर रहा था। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चार्ली वॉज क्वाइट एन ऑर्डिनरी मैन फ्रॉम, चार्ली एक साधारण सा व्यक्ति था, कहाँ से संबंध रखता था वो? न्यूयॉर्क से संबंध रखता था। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन द थर्ड लेवल, जिनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने यहाँ आपके सामने डिस्कस किए, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। थैंक्स।